नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल स्वाद करने वाला। अगर मेरी रेसिपीज आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। गोभी की सब्जी खा खा के बोर हो गए हैं तो आज गोभी की नई रेसिपी बनाते हैं, गोभी का कोफ्ता, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। इसके लिए हम एक मीडियम साइज का गोभी ले लिए हैं, इसको हम फाइन ग्रेटर से ग्रेट कर दिए हैं। इसमें डालने के लिए थोड़ा सा हरा धनिया, एक छोटे साइज का प्याज फाइन चॉप करके और एक हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक। इन सबको बेसन डाल के इसका हम एक बाइंड सा डो बना लेंगे और सब एक बार मिला लेंगे। थोड़ी सी हल्दी पाउडर और बेसन आपको उतने ही मिलाना है जितने में आपका ये कोफ्ता बाइंड हो जाए। थोड़ा थोड़ा डाल के देख लेंगे मिला के, क्योंकि नमक डालने पे गोभी में अपना पानी छोड़ देगा, उसी से हमें इसे बाइंड कर लेना है। थोड़ा सा और डाल देंगे। अगर ज़्यादा बेसन डाल देंगे तो कोफ्ता बहुत हार्ड बनेगा, इसलिए बस इतना ही डालना है कि ये बस बाइंड हो जाए। ये देखिए हमारा अच्छे से बाइंड होने लगा है। अब इसके हम छोटे छोटे बॉल्स बना लेते हैं। अब थोड़ा सा हाथ में तेल लगा लेंगे और छोटा छोटा पोर्शन लेकर के इसका हम कोफ्ता बना लेंगे। इसी तरह हम सारे कोफ्ते बना लेंगे, फिर इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए हम बॉल्स बना के रख लिए हैं, अब हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए हम कढ़ाई में तेल चढ़ा दिए हैं, तेल गर्म हो गया है। अब इसमें हम अपने छोटे जो कोफ्ते बनाए हैं डाल देंगे। इसको दो बैच में हम तल लेंगे। फ्लेम को अब हम मीडियम लो कर देंगे। अब थोड़ी देर इसको एकदम टच नहीं करेंगे, नहीं तो टूट जाएगा। ये देखिए ऊपर वाला लेयर थोड़ा सा जब हल्का सा सिक जाए तब इसको हम टच करेंगे और मीडियम लो फ्लेम में ही इसको तलेंगे ताकि ये अंदर तक बढ़िया सा सिक जाए। ये देखिए कोफ्ता बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गया है। इसी तरह इसको अब हम निकाल लेंगे और दूसरा बैच डालेंगे। इसी तरह से हम ये दूसरा बैच भी तल लेंगे। ये देखिए हमारा ये भी बैच बन के तैयार हो गया है। अब इसकी हम ग्रेवी बनाते हैं। अब हम ग्रेवी के लिए दो मीडियम साइज का प्याज ले लेंगे। इसको मिक्सी में डाल देंगे, थोड़ा सा अदरक और दो हरी मिर्च और 10-12 कली लहसुन और 4 टमाटर, ये सब को हम मिला करके इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। अब हम इसमें का तेल कुछ कम कर दिए हैं, जितने में सब्जी हमें बनाना है उतना रख लिए।
इसमें सबसे पहले डाल देंगे थोड़ा जीरा और 2 तेज पत्ता, ये थोड़ा सा लाल हो जाएगा। तो ये जो हम पेस्ट पीस करके रखे थे प्याज मिर्चा अदरक और टमाटर का, वो इसमें हम डाल देंगे। ये मसाले को हम तब तक भूनेंगे जब तक हमारा तेल अच्छे से सेपरेट नहीं होता है। इसी के साथ हम कुछ और मसाले ऐड कर देंगे, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च। अब इसी के साथ इन लोग को भी अच्छे से हम भून लेंगे। अब इसी समय हम अपना फ्रोजन मटर डाल देंगे। अगर आपके पास फ्रेश मटर है तो आप उसको फ्रेश मटर भी डाल सकते हैं, लेकिन उसको थोड़ा काफ़ी देर पकाना पड़ेगा। ये हमारा फ्रोजन मटर है तो जल्दी पक जाएगा। सभी कोफ्ता का अपना अलग अलग टेस्ट होता है, कटहल का अलग टेस्ट होता है, लौकी का अलग होता है, ये गोभी के अलग इसके टेस्ट होते हैं। सबका टेस्ट एकदम डिफरेंट होता है, इसलिए सब बना के ट्राई कीजिए एक एक बार। ये देखिए मसाला हमारा अच्छे से भून गया है और तेल भी सेपरेट हो रहा है। अब इसी समय में हम स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। और थोड़ा सा गरम मसाला, ये है तो फूल गोभी और मटर की सब्जी, लेकिन इसके बनाने का तरीका डिफरेंट है तो स्वाद भी एकदम डिफरेंट रहता है। तो हम इसमें पानी डाल देंगे, पानी आप जितना गाढ़ा पतला रखना हो उस हिसाब से, क्योंकि अभी कोफ्ता डालेंगे तो इसका पानी भी, कोफ्ता जो है रस पूरा पी लेगा तो थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा पानी ठीक ही रखें। अब एक उबाल आने तक इसको हम पकाएंगे, तब इसमें हम कोफ्ते डालेंगे, ढक करके उबाल आने तक पका लेते हैं। ये देखिए गोभी में उबाल आ गया है, अब हम ये कोफ्ते इसमें डाल देंगे। अब थोड़ी देर इसको हम और पका लेंगे ताकि कोफ्ता हमारा सॉफ्ट हो जाए, उसके बाद हम आपको सर्व करके दिखाएंगे। ये देखिए हमारा सब्जी बन करके बिल्कुल तैयार है, अब हम आपको इसको सर्व करके दिखाएंगे। ऊपर से थोड़ी हरी धनिया डाल दे रहे हैं और फिर से इसको ढक दे रहे हैं, बाद में आपको हम सर्व करके दिखाते हैं। ये देखिए हमारा गोभी का कोफ्ता बन करके रेडी है। आज हम इसके साथ चावल बनाए हैं, आपका मन रोटी पराठा पूरी किसी के साथ भी आप खा सकते हैं। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। थैंक यू।